हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच में जो आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा इमर्जिंग एशिया कप का, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा आपको प्लेयर को स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि जब आप स्मॉल लीग में टीम क्रिएट करोगे आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और इस मैच में एक बेटर टीम आप क्रिएट करके जा सकते हो जिससे आपके विनिंग के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहे। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले। सबसे पहले प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है, लास्ट के 5 मैच में प्लेयर्स ने कैसा प्रदर्शन कर रखा है बॉलिंग से भी एंड बैटिंग से, उसके बेस पे हम उसको स्मॉल लीग में या फिर जीएल में ट्राई करके चलेंगे। देखो अगर प्लेयर्स ने खराब प्रदर्शन कर रखा है बट वो अच्छा प्लेयर है तो एज अ ट्रम्प प्लेयर हम उसको स्मॉल लीग में ट्राई कर लेंगे, एंड प्लेयर्स मतलब खराब प्रदर्शन से गुजर रहा है तो उसको हम जीएल में ट्राई करके चलेंगे, एंड जो प्लेयर आपको अच्छे प्रदर्शन से गुजर रहा है उसको हम स्मॉल लीग में ट्राई करेंगे। बाकी ओवरऑल T20I करियर में कैसा है उसका प्रदर्शन है आपको डिटेल में सब कुछ समझा देंगे। बाकी पिच पर कैसा बिहेव रहता है, कौन सा पेसर्स को सपोर्ट मिलता है, स्पिनर्स को या फिर बैटर को किसको सपोर्ट मिलता है ये भी आपको बता देंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिना किसी एक भी पार्ट को स्किप किए, और कौन से ऐप पे मैच खेलना है ये भी आपको बता दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मैच का तारीख का भी इसका। 25 तारीख को मैच खेला जाएगा शाम को 7 बजे ओमान क्रिकेट ग्राउंड के पिच पर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है ज्वाइन कर लेना। देखो लास्ट मिनट के जो सारे अपडेट रहते हैं लाइक प्लेइंग 11 में चेंजेस, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस, पिच रिपोर्ट में चेंजेस, अगर ये सारे चेंजेस आपको अवॉइड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे होगा तो आपको पता होगा कि पिच रिपोर्ट में क्या चेंज हो रहा है, मैं वॉइस नोट के साथ समझा देता हूँ। बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंज होता है तो मैं वॉइस नोट के साथ समझा देता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल का, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो और अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। बाकी चलो बात करते हैं ये पिच रिपोर्ट के बारे में। तो टोटल यहां पर 109 मुकाबले खेले गए जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 43 मुकाबले और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 65 मुकाबले जीते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत एडवांटेज आपको सेकंड इनिंग में जो बैटिंग कर रहे हैं उनको है, बट आप ज्यादा फेवर नहीं लेकर जा सकते हो पिच से। जो टीम बढ़िया बल्लेबाजी की है गेंदबाजी की इस पिच पर हमने जितने भी मैचेस देखे उनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहे हैं। लाइक आप कल के दिन का ही देख लो, जो इंडिया और ओमान का मैच हुआ तो वहां पर पहले बैटिंग करते हुए ओमान की टीम ने 140 रन स्कोर किया था स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि सामने एक स्ट्रांग टीम थी और उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी किया था। वहीं पर उससे पहला मैच देखो तो पाकिस्तान की टीम ने यूएई के खिलाफ 170-80 बना दिया था, तो मान लो वहां पर स्ट्रांग टीम था। तो यही है कि अगर बढ़िया टीम अगर बढ़िया बल्लेबाजी करेगी गेंदबाजी करेगी तो अच्छे खासे रन भी स्कोर करके जा सकती है एंड वन साइडेड मैचेस भी जीत सकती है। देखो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग उतना मैटर करेगा नहीं, बट हाँ 10% आप कह सकते हो कि सेकंड इनिंग वाले को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। बाकी एक बैलेंस विकेट हमें देखने को मिलेगा जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही अच्छा करते हुए दिखेंगे, खासकर गेंदबाज स्पिनर्स जो देखो इतना पुराना हो चुका है, मतलब यहां पर कह सकते हो 18 से 19 मैचेस खेले जा चुके हैं तो विकेट स्लो हो जाता है इतने मैचेस के बाद, तो एक स्पिनर्स होते हैं उनका रोल ज्यादा ही हो जाता है गेम में। तो जो भी क्वालिटी स्पिनर्स हैं उन पर आप रिस्क लेकर जा सकते हैं इस मैच में। एवरेज स्कोर 150 रन का है जो भी बहुत बेहतरीन है T20 के लिहाज से देखा जाए तो, और एक अटैकिंग साइड है, मतलब जो भी टीम खेल रही है यंग साइड है तो अटैकिंग शॉट ज्यादा खेलते हैं, तो 150-170 आम बात रहेगा इनके लिए। बाकी अगर रिसेंट का बात किया जाए तो 5 मुकाबले इंडिया की टीम ने खेले हैं, 4 जीते हैं और एक नो रिजल्ट रहा है। वहीं अफगानिस्तान की बात किया जाए तो 5 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं। तो अफगानिस्तान और इंडिया की कंपेयर किया जाए तो इंडिया को आप 80% फेवर करके इस मैच में जा सकते हो और अफगानिस्तान को 20% फेवर कर लेना, क्योंकि इन्होंने भी बढ़िया मैचेस खेले हैं इस टूर्नामेंट में, तो इंडिया को ज्यादा फेवरेट करके चलना ये बात आप याद रखना। बाकी चलो बात करते हैं इंडिया के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की। अभिषेक शर्मा बैटिंग से और 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी कर रहे और विकेट भी निकाल रहे, 34+0 फिर 58+1 फिर 35। तो अभिषेक शर्मा इस मैच के सबसे डिफॉल्ट कैप्टन ऑप्शन के रूप में ये रहेंगे। वहीं प्रभ सिमरन सिंह का बात किया जाए तो 13+1 8 फिर 36 फिर 71 फिर 6 ऐसा इनका प्रदर्शन है। प्रभ सिमरन सिंह एक बेहतरीन बल्लेबाज आप कह सकते हो जिनको अपने टीम में बाय डिफॉल्ट आप रोटेट करके चले जाना। देखो प्रभ सिमरन सिंह विकेट कीपिंग सेक्शन से मिलेंगे, लास्ट मैच खेला नहीं था इन्होंने, आप इनको टीम में बाय डिफॉल्ट ही रोटेट करना क्योंकि मेरे को दूसरा कोई विकेट कीपर बढ़िया दिख नहीं रहा इनके अलावा। तिलक वर्मा का बात किया जाए तो 36 21
24, 32 और 27। तिलक वर्मा आपके लिए एक डिफॉल्ट चॉइस होना चाहिए, और वाइस कैप्टनशिप भी अगर किसी को करना चाहते हो इंडियन बैटर में से, तो तिलक वर्मा आपके लिए एक बहुत बढ़िया चॉइस रह सकते हैं। ग्राउंडेड शॉट पर ज्यादा भरोसा करते हैं इसके वजह से। आयुष बदोनी का बात किया जाए तो देखो, आयुष बदोनी ने 51, 12, 2, 7, 165 T20 में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रन स्कोर कर रखे, और यहाँ पर भी हमने देखा लास्ट मैच में भी अच्छा रन उन्होंने स्कोर किया था। बट वही है कि सबको ट्राई नहीं कर सकते, तो मैं बदोनी को ड्रॉप करके चलूंगा। वदेरा को भी मजबूरी में हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रदर्शन अभी तक उस लिहाज से आया नहीं कि हम इनको स्मॉल लीग में ट्राई करें। रमनदीप सिंह बॉलिंग करा रहे हैं, इसके वजह से अब इनको तो मुझे बाय डिफॉल्ट ट्राई करना ही पड़ेगा। रमनदीप सिंह, प्रभ सिमरन सिंह, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, ये चार टॉप सिक्स में से आप ट्राई कर लेना। बाकी अगर बात किया जाए इधर से तो निशांत संधू को आप ट्राई कर लेना, क्योंकि दो ओवर चार ओवर की गेंदबाजी इनको कंफर्म मिलती है। राशिक सलाम जैसा इनका प्रदर्शन है, इनको भी हम ड्रॉप नहीं करेंगे। राहुल चहर को भी ड्रॉप नहीं करेंगे। ये 4 और 3 7 प्लेयर हो गए। अब हमारे पास 3 प्लेयर 4 प्लेयर और बचे, उनमें से वैभव अरोड़ा मेरे को उतने बढ़िया चॉइस नहीं लग रहे, इनको आप जीएल में ट्राई करके चलना, स्मॉल लीग के लिए एक रिस्की चॉइस रह सकते हैं। अंशुल कंबोज लास्ट मैच खेले नहीं थे, तो आप इनको ना जीएल में ट्राई करके चलना, ऐसे स्मॉल लीग में पहली इनिंग में ट्राई कर लेना, तो ये 8वें प्लेयर के रूप में ट्राई करना। बाकी जो 7 मैंने बताया उनको डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में ट्राई करना आप है। बाकी देखो अगर बात की जाए इंडिया के बेंच की, तो आकिब खान, अनुज रावत और ऋतिक शौकीन आपको बेंच पे दिख सकते हैं इंडिया के तरफ से। बात करते हैं दोस्तों कहां पर ये मैच खेलना है, ये भी आपको बता देता हूं। ये मैच मैं माई ग्राउंड 11 पर खेलूंगा। क्यों खेलूंगा, देखो सबसे पहले यहां पर 2 मिनट का मेरे को एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलता है, जिसका फायदा मुझे कई बार मिला है। लाइक आप कह सकते हो कि पहले ओवर में विकेट गिर जाता है तो हम यहाँ पर आकर आराम से चेंजेस करेंगे, जिसके वजह से कई बार हमारा अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो जाता है। टीडीएस एंड जीएसटी फ्री फैंटेसी ऐप है, और ना ही आपको टीडीएस लगता है ना ही आपको जीएसटी लगता है, और इंस्टेंट विड्रॉ प्रोवाइड करती है। 100 रुपए का सिर्फ मिनिमम सिर्फ 100 रुपए आपको मैं कह रहा हूं, और लो एंट्री फीस है और फ्री एंट्री कॉन्टेस्ट है। कल के दिन हमने जो फ्री एंट्री कॉन्टेस्ट इसमें खेला था, सिर्फ 20 बंदे आए थे 500 में से, जिससे हमारा वन साइडेड विनिंग हो गया था, मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था। बाकी इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है, देखो बिल्कुल फ्रेश न्यू ऐप है। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में आप अगर लिटिल बिट अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हो तो बहुत बड़े बड़े प्राइजेस जीत सकते हो। तो मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, एक बार मेरे कहने पर जाकर चेकआउट करो, आपको अच्छा लगे तभी खेलना, ना लगे आप डिलीट कर देना। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। चलो बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, तो सदीउल्ला अतल की बात किया जाए तो 2 मैच में इन्होंने 52, 95, 83 बेहतरीन इन्होंने प्रदर्शन कर रखा। इनको T20I पर भी लेवल पर भी खेलने पर एक्सपीरियंस है, तो मेरे टीम के ये वाइस कैप्टनसी रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया है। बाकी डब्ल्यू तारक के हिल की बात की जाए तो इनको जीएल में ट्राई करके चलना, मोस्टली मैचेस में ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं इसके वजह से। नुआन शाह ये भी उतने अच्छे चॉइस नहीं है, ये विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको अवेलेबल रहेंगे, तो नुआन शाह तो एज विकेट कीपर इनको आप ट्राई करके चलना, बट मेनली इन जीएल में, क्योंकि प्रभ सिमरन सिंह को हम अपने टीम में ट्राई करके चलेंगे। बाकी डार्विश रसूल का बात किया जाए तो 18, फिर 5, फिर 3, फिर 21, फिर 76 ओवरऑल में बात किया जाए तो 7 मैच में 51 रन 8 के एवरेज से स्कोर कर रखा इन्होंने। शहीदुल्ला इनको तो मैक्सिमम मैचेस में सिंगल डिजिट पे आउट हुए, तो शहीदुल्ला को आप जीएल में रोटेट करके चलना। करीम जन्नत की बात किया जाए तो इन्होंने 21+0, 9+1 और 0+0 ओवरऑल में भी काफी बढ़िया मैचेस खेल रखे, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस है और बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों कर रहे हैं। तो इनको करीम जन्नत को, सदीउल्ला अतल को, इनको मैं अपने स्मॉल लीग में टीम में ट्राई करूंगा। दरवीज रसूल कैप्टन है टीम के, बट मेरे हिसाब से ये चारों, 1, 2, 3 और ये 4 मेरे को उतने अच्छे चॉइस इस मैच के लिए नहीं लग रहे हैं। बाकी देखो एस अशरफ की बात करें तो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, तो मैं अपने टीम में ट्राई करूंगा, और यहाँ पर स्पिनर्स का बोल बाला रहेगा खासकर सेकंड में, तब मैं इनको मिस नहीं करूंगा। एन खरोटी के बात किया जाए तो इनको आपने अगर साउथ अफ्रीका सीरीज में देखा होगा अफगानिस्तान के लिए, तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन विकेट निकाले थे, तो मैं इनको अपने टीम में ट्राई कर सकता हूं एज ए जीएल प्लेयर, क्योंकि देखो फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं इसके वजह से। अब्दुल रहमान विकेट निकाल रखा है इन्होंने 3, 1, 1, 1, फिर 3, मतलब हर एक मैच में इन्होंने विकेट निकाला है, तो अब्दुल रहमान को तो हमें बाय डिफॉल्ट ट्राई करना ही होगा। क्वेश अहमद स्पिनर्स है, और इस पिच पर आपको पता ही स्पिनर्स का क्या ही बोलबाला है, तो क्वेश अहमद, अब्दुल रहमान और एस अशरफ, ये तीनों को मैं और एन करो तो इन चार में से कोई मैं तीन अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करूंगा, मतलब बाय डिफॉल्ट है। तो आप देख लेना किनको आप जीएल में रोटेट करना है, किनको स्मॉल लीग में रोटेट करना है। बाकी देखो बेंच पे आपको 20 शमी 1 गजनाफर और ये साफी रहेंगे, 1 गजनाफर खेलते हैं तो ये भी एक बेहतरीन चॉइस इस मैच के लिए रह सकते हैं।
बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना भाइयों, क्योंकि देखो जो मैचेस का वीडियो मैं यहाँ पर नहीं अपलोड कर पाता हूँ उसका वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल पे अपलोड करता हूँ जो मैं बना रखा है आपके लिए। और देखो वहां पर आपको प्रॉपर एनालाइज मिल जाता है हर एक प्लेयर्स का, तो जो भी आप मैच खेलते हो उसको प्रॉपर प्लेयर्स का नॉलेज रहेगा तो आप अपने से चेंजेस कर सकते हो, तो उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप जरूर वीडियो देखना, अदरवाइज मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आपका फायदा नहीं है और ये आपके फायदे के लिए मैंने चैनल बना रखा है, अगर आपका फायदा नहीं है तो मत सब्सक्राइब करना, मैंने आपको पहले बोल दिया है। और वीडियो देखना हो तो जरूर करना सब्सक्राइब, तो चलो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। चलो अब बात कर लेते हैं टीम का, तो प्रभसिमरन सिंह को तो हमें तो बाय डिफॉल्ट ट्राई करना होगा, बाकी एस अटेल को हम ट्राई कर लेंगे बैटिंग सेक्शन में और वाइस कैप्टनसी दे देंगे जैसा इनका रिसेंट में परफॉर्मेंस है। बाकी तिलक वर्मा, रमनदीप सिंह, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। रमनदीप सिंह आपको बॉलिंग भी कर रहे हैं इसकी वजह से मैंने ट्राई किया, और तिलक वर्मा को तो चलो ट्राई करना ही पड़ेगा, कैप्टन भी है और ग्राउंड शॉट पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिसकी वजह से कई बार अच्छे खासे रन भी स्कोर करते हैं। बाकी करीम जनात, अभिषेक शर्मा, यहाँ से एस अशरफ और एन संधू, इन तीनों को चारों को मैंने ट्राई कर रखा और चारों ही बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी बॉलिंग से क्यू अहमद, राहुल चहर और राशिक सलाम, ये तीन को मैंने बॉलिंग सेक्शन से ट्राई कर रखा है। कैप्टन अभिषेक शर्मा और वाइस कैप्टन से मैंने एस अटल को दे रखा है, आप चाहो तो तिलक वर्मा को दे सकते हो या फिर राहुल चहर भी एक बेहतरीन चॉइस रहेंगे जिस हिसाब से पिच बिहेव करेगा, फिर और एक करीम जनात, इन तीन चार आपके लिए वाइस कैप्टनसी के अच्छे खासे चॉइस रहेंगे। बाकी कैप्टनसी में कोई छेड़छाड़ आप मत करना। तो ये अभी के लिए हमारी टीम, फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बाकी वो जो माई ग्राउंड 11 का लिंक है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहां पर इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है, फ्री कॉन्टेस्ट जो कि कभी नहीं भरता, मैंने आपको प्रूफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर किया था, उसके बाद टीडीएस भी नहीं लगता, जीएसटी भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्रेश न्यू ऐप है। अगर इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में अगर अभी से हम पार्टिसिपेट करना चालू करेंगे तो एक बेहतरीन चांसेस है, जो लो इन्वेस्टर भी है वो भी अच्छे खासे प्राइजेस जीत सकते हैं, तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ, वीडियो लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।